नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है अनिष्का किचन में। और इस समय सुबह के 11:30 बज चुके हैं और आप मेरे पीछे देख सकते होंगे काफ़ी कोहरा है। सुबह का जो कि खाना पीना सबका हो गया है और इतने ठंड में सबका गरम गरम पकौड़े खाने का मन कर रहा है। और हमारे खेत में जो कि काफ़ी सारी सब्जियां हो गई हैं, ठंड की वजह से कोई हरी सब्जियां खा नहीं रहा है, तो आज हम बनाने वाले हैं मिक्स सब्जियों का पकौड़ा जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो चलेंगे खेत में और ताज़ी ताज़ी सब्जियों को लेंगे, उसी का हम पकौड़े बनाएंगे। और ठंड के मौसम में गरम गरम पकौड़े खाने में बहुत बढ़िया लगता है। आपके पास बैठ के यहाँ से देखिए हमारे खेत के गेहूँ दिख रहे हैं, कितना बढ़िया दिखे लग रहा है, एकदम हरा भरा। और उधर देखिए हमारे जो टंकी है, टंकी के पीछे गोभी लगा हुआ है, काफ़ी सारा हो गया है। और केले के पत्ते भी काफ़ी पीले पीले हो गए हैं। और ये पपीता देखिए, ठंड की वजह से ना पपीता को पाला मार दिया है और ये पपीता जो ख़राब हो गया है, अजीब सा जैसे मसूड़ा सा अंदर से हो गया, पक भी नहीं रहा। पहले तो पक भी रहा था, धूप निकल रहा था, तो जब से मौसम ठंडा हो गया तो धूप नहीं निकल रहा है बहुत दिनों से, तो पपीता भी थोड़ा इसमें बेस्वाद वाला पपीता हो गया है। उधर देखिए पक्षियों ने काफ़ी अच्छा घोंसला ही बनाया है शहतूत के पेड़ पर, तो ठंड में बहुत सारी चिड़ियाँ वहीं आके रहती हैं घोंसले में, गौरैया रहती हैं इसी में, कभी कभी देखती हूँ मैं। और ये घोंसला काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और बहुत दिनों से ऐसे ही, काफ़ी टाइम से घोंसला इनका ऐसे ही पड़ा हुआ है। और बहुत कम पक्षियाँ ऐसे रहती, बनाई तो बहुत सारी पक्षियाँ थी लेकिन सब यहाँ से भाग गई। चलते हैं नीचे, चलते हैं खेत में। तो धूप काफ़ी अच्छी निकल आई है और मौसम भी काफ़ी साफ हो गया है घंटे बाद। और यहाँ देखिए खेत में हमारे ताज़े ताज़े जो कि पालक के पत्ते, इसको लेंगे पकौड़ा बनाने के लिए। पालक के पत्तों को देख ले रहे हैं और हमारे खेत में जो कि फूल गोभी भी, उसको भी लेंगे अभी। तो पालक के पत्ते हमने ले लिए, चलते हैं उधर आगे खेत में, गोभी लेंगे और प्याज के पत्ते लेंगे ताज़े ताज़े। धनिया में काफ़ी सारा देखिए फूल खिल गया है, कितना खूबसूरत ये फूल जो कि लग रहा है। पालक लेने के बाद देखिए आ गए गोभी खेत में। यहाँ पे देखिए बात का गोभी लगाया गया था, तो काफ़ी सारा देखिए गोभी लगाया गया है। और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे गोभी हुआ है, इसको भी हम पकौड़े में डालेंगे। तो इसको ले लेते हैं यहाँ से, ये देखिए फूल गोभी हमने ले लिया है। अब लेंगे प्याज के पत्ते, यहाँ पे देखिए प्याज के हरे पत्ते हैं। ये देखिए ताज़े हरे प्याज के पत्ते भी डालेंगे। गोभी ले लिया है, गोभी खेत में देखिए इतने बड़े पालक के पत्ते हैं, और तोड़ लेते हैं। देखिए रहा काफ़ी बड़े पालक के पत्ते जो कि हो गए, ठंड के मौसम में कोई जल्दी पालक खा नहीं रहा था, तो देखिए रहा कितना बढ़िया देखिए पालक के पत्ते हैं। इसको पकौड़े में डालेंगे, ले लिया है हमने, और इसको लेके चलते हैं। थोड़ा सा धनिया के पत्ते भी ले लेते हैं पकौड़े में डालने के लिए। खेत से सभी ताज़े सब्जियों को लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम छांट ले रहे हैं। पालक को हमने छांट के रख लिया है, गोभी का जो डंठल इसको हटा दे रहे हैं। और इधर मैंने प्याज और आलू भी लिया है, दो आलू भी डालेंगे इस पकौड़े में और प्याज भी डालेंगे। तो सब्जियों के यहाँ पे देखिए सभी को हमने धो लिया है, इसको बारीक काट लेते हैं। सबसे पहले देखिए गोभी को इस तरीके से काट लेंगे। गोभी को काटने के बाद देखिए यहाँ पे प्याज भी बारीक काट लेते हैं और आलू को भी देखिए इस तरीके से काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े जो कि आलू कर लेते हैं। इधर हमने आलू को छोटे टुकड़े में काट लिया, प्याज भी काट लिया, गोभी, यहाँ पे देखिए प्याज के ताज़े पत्ते हैं, इसको भी काट ले रहे हैं। आप चाहे तो अपनी मनपसंद सब्जियों को और भी काट सकते हैं पकौड़े में डालने के लिए। अब ताज़े देखिए पालक के पत्ते भी काट लेते हैं इसमें। ये जो मिक्स सब्जियों का पकौड़ा बनता है ना, काफ़ी टेस्टी बनता है। ये हमारे खेत के ताज़े पालक, इसको बारीक काट ले रहे हैं। पालक काटने के बाद देखिए हरी मिर्च काट ले रहे हैं। हरी मिर्च हम तीखे के अनुसार खूब सारा काटेंगे, ये खेत के हमारे हरी मिर्च हैं, ये पकौड़े में काफ़ी अच्छे लगते हैं खाते हैं। तो हमने इसमें हरी मिर्च खूब सारा काट दिया और हरा धनिया भी काट दिया है बारीक। और अब इसमें डालेंगे नमक, नमक पहले डालेंगे तो जो सब्जियाँ हैं सारी पानी छोड़ने लगेंगी। देखिए स्वाद के अनुसार इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं, तो नमक यहाँ पे हमने 2 चम्मच डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने कूट के पहले से रखा हुआ है, इसको डाल दे रहे हैं। अब इसको हम हाथों से अच्छे तरीके से मिला लेते हैं, जो नमक है
अच्छे से सब्जियों मिल जाए। और नमक मिलने से क्या होता है कि गोभी, आलू और प्याज जो है काफ़ी सारा पानी छोड़ने लगेगा। नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद देखिए सब्जियों ने काफ़ी सारा पानी छोड़ दिया है और काफ़ी सारा देखिए सब्जियां जो थोड़ा गलने लगी हैं नमक डालने से। अब इसमें डालेंगे हम काफ़ी सारे मसाले। यहाँ पे डालेंगे हम साबुत धनिया, इसको हमने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, इससे टेस्ट जो कि पकौड़े का काफ़ी अच्छा आता है, तो इसको डाल दे रहे हैं आधा चम्मच। इसमें डालते हैं एक चम्मच अजवाइन। अजवाइन ज़रूर डालें जब भी पकौड़े बनाएं, काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है अजवाइन से। और एक छोटा चम्मच डालेंगे हम साबुत जीरा और एक छोटा चम्मच डालेंगे सौंफ, इसको भी डाल दे रहे हैं। एक छोटा चम्मच डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, इससे पकौड़े जो है काफ़ी फूले फूले बनेंगे। एक चम्मच डालेंगे हम हल्दी पाउडर और एक चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये चम्मच जो है हमारा छोटा वाला है, इसी से हम नाप के डाल रहे हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर हमने एक चम्मच डाल दिया है, बाकी हमने हरी मिर्च भी काट के डाला है, तीखे के अनुसार आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डालेंगे हम अमचूर पाउडर, तो यहाँ पर हम दो चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर भर के अच्छे से। और एक छोटा चम्मच डालेंगे हम गरम मसाला, ये घर का गरम मसाला बना हुआ है, इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा पकौड़ों का। अब इसमें डालेंगे हम बेसन, तो यहाँ पे देखिए हमने बेसन लिया, तो बेसन हम पहले तीन मुट्ठी डालते हैं भर के, उसके बाद अगर जरूरत पड़ेगा तो बेसन और डालेंगे हम। और पकौड़ों को कुरकुरा बनाने के लिए यहाँ पर देखिए हमने लिया मैदा, मैदा भी थोड़ा डालते हैं एक मुट्ठी भर के अच्छे से। आप मैदा की जगह पर चावल का आटा भी ले सकते हैं। अब अच्छे तरीके से देखिए इसको मिला ले रहे हैं। अच्छे से मसल मसल के हम मिलाएंगे कि जो सब्जियां हैं थोड़ा बारीक हो जाए। यहाँ बेसन डालने के बाद सभी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। थोड़ा सा बेसन अभी हम और इसमें डालेंगे क्योंकि बाकी सारे देखिए हमारी सब्जियां ही दिख रही हैं ऊपर से। इसमें अभी पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला है, जो सब्जियों का पानी उसी पानी से हमें बेसन को अच्छे तरीके से मिलाना है। तो एक मुट्ठी हम भर के बेसन और डाल दे रहे हैं यहाँ पे, अच्छे तरीके से इसको मिला लेंगे। बेसन डालने के बाद देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको मिला लिया है और हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, तो इसको हम 5 मिनट छोड़ देते हैं, जो पकौड़े काफ़ी फूले फूले बनेंगे। इसको छोड़ दे रहे हैं 5 मिनट रेस्ट के लिए। चूल्हे में ईंधन को जला दिया, रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे तेल पकौड़ी बनाने के लिए। तो तेल हमारा गर्म हो गया और यहाँ पे इसको हमने रेस्ट के लिए 5 मिनट जो रखा था, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हाथों से देखिए थोड़ा मिला लेते हैं अच्छे से और पकौड़ियाँ हम बना लेते हैं। तो किस तरीके से हाथों में पेस्ट को उठाएंगे और तेल में इस तरीके से डालते जाएंगे। एक तरह से पकौड़े लाल हो गए, इसको उलट पुलट लेते हैं और आप देख सकते हैं ये पकौड़े काफ़ी फूलते भी हैं। ये पकौड़े काफ़ी फूल फूल के बनेंगे, थोड़े फूल फूल के अच्छे से लाल कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन पकौड़ियों के। यहाँ पे देखिए हमने गोल्डन ब्राउन अच्छे से कर लिया, अब इसको निकाल लेते हैं थाली में और इसी तरीके से हम मिक्स जो है सब्जियों के पकौड़े तल लेते हैं। इसी तरीके से देखिए पकौड़े हम और बना लेते हैं। जो बचे हुए हमारे पेस्ट है उसको भी इसी तरीके से पकौड़े बना लेंगे। आप देख सकते हैं सारी सब्जियों का मिक्स पकौड़े देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। आप इसको चटनी के साथ या फिर टमाटो सॉस के साथ किसी के साथ भी खाइए, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। खेत के ताज़े सब्जियों से देखिए कितना बढ़िया हमने पकौड़े बनाए, काफ़ी टेस्टी है। इसमें जो हमने सारे मसाले डाले हैं इससे पकौड़े काफ़ी टेस्टी बनते हैं। आज मैंने जिस तरीके से पकौड़े बनाए ना, एकदम बिल्कुल दुकान वाले पकौड़े बनाए हैं मिक्स सब्जियों का, और ये काफ़ी टेस्टी लगते हैं। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना तो यकीन मानिए पकौड़े काफ़ी स्वादिष्ट बनते हैं, खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलते हैं, धन्यवाद।